अरे सर रिएक्शन टाइम, तो कैसे कैसे हैं हैं आप आप लोग? लोग। तो गाइस अभी है ना बड़ी तो श्रेया शर्मा का वीडियो देखा यार, साइको यस, सिंगर। साइको सिंगल। एंड ओ उसके बाद अब बाप हम बाप, मजा ही आ गया। अभी उसके सब की बात है ना, उसमें हो चुकी है। अच्छा यानी नाउ करना वी आर है, वाचिंग समथिंग न्यू। यानी करना है आज हम एक नया चैनल देखने वाले हैं, नॉट नॉट योर योर टाइम। टाइप। और अब हमें नहीं इनका पता ये किसके टाइप की बात कर रहे हैं, कि हमारे टाइप का है या नहीं, बट इनका है इंडियन टीवी शो फी क्राइम पेट्रोल। वाह आप देखते हैं कि कि क्या ये क्या दिखाना दिखाना चाहते चाहते हैं। हैं। ये एनिमेटेड वीडियो बनाते हाँ, इट्स हैं, एनिमेटेड बेसिकली वीडियो एन देते हैं। एनिमेटेड वीडियो। एंड वी रियली वॉन्ट, जब से मैंने इनका चैनल देखा है ना, तो मुझे ऐसा लगा कि ये वीडियो हम लोग देख सकते हैं और तो मजा बेसिकली आएगा। इट कैन बी समथिंग यूनिक जो हमने अभी तक नहीं नहीं देखा देखा हो। है, सच है। तो जैसे आपको पता है तो कि हम कुछ नया और यूनिक हमेशा ट्राई करते हैं, तो आपको क्या करना है चैनल का? डू सब्सक्राइब और लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। ज्यादा देरी नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो, क्या कर स्क्रिप्ट रहे हो तुम लोग? को पता है, जब बचपन में टीवी पर देखने के लिए कुछ नहीं होता था तो मैं क्राइम पेट्रोल लगा लेता था। एक प्यारी सुबह हो रही होती है, कोई डोकरा मस्त बालकनी में बैठ के चाय तोस दबा रहा होता है, और तभी दो दाढ़ी वाले लौंडे आके उन्हें मार देते हैं। किसको मजा नहीं आएगा ये देखने में? अब अगर तुमने क्राइम पेट्रोल कभी देखा है तो तुम्हें पता होगा, इनके पास एक्टिंग करवाने के लिए ज्यादा लोग नहीं होते हैं। एक गंदी शक्ल का आदमी जो हमेशा क्राइम करने वाला बनेगा। पिछले एपिसोड में मैं बच्चे उठाने वाला बना था, इस एपिसोड में एसिड फेंकने वाला बन जाता हूँ। एक कामचोर पुलिस का ग्रुप जिनका काम बस। अजी हेलो, अरे हमारा चोर गांव छोड़ के भाग गया है, आपके उधर आया होगा तो जरा पकड़ लीजिएगा। चलो आज का काम तो हो गया, मिन्नू चल खस्ते वाले को कुछ भाड़े के चमकाएंगे। एक्टर्स जिनका काम बस चोर का घर किधर है वो बताना है। अरे सुनो, तुम इसे जानते? उधर रहता है, उधर। पुलिस के पूछने से पहले ही इशारा कर दिया, इतनी गंदी एक्टिंग। और लास्ट में हमारे अनूप सोनी, इनका होना ना बहुत जरूरी है। सावधान रहे, सेक्सी रहे, ये नहीं तो शो नहीं। सावधान रहे, सेक्सी। बस भाई बस, हो गया। क्राइम पेट्रोल में चोर हमेशा कोई फुद्दू सा रीजन देगा किसी को मारने का। चल बता तूने उसे क्यों मारा? उसने मेरे गाठिये खा लिए थे। तो तूने क्लोरोफॉर्म सुंघा के ही मार दिया उसे? या फिर चल बता तूने उसे क्यों मारा? मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था, अबे तो इसीलिए तो पूछ रहा हूँ क्यों मारा तूने उसे। मैं कांपे हूँ, मेरी गोलियों का टाइम हो रहा है, मुझे ब्रेन डैमेज है। खैर ये सारी बातें बता के मैं कोई कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हूँ क्राइम पेट्रोल से, इसलिए आज मैंने अपना खुद का एक क्राइम पेट्रोल एपिसोड बनाया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है। एक सेकेंड, क्या हुआ? अरे वो पीछे दो मिनट भाई। हाँ हो गया। अरे तो क्या मेरे बाप की तीसरी शादी के लिए रुके हुए हो? जाओ ना। हाँ जा रहा हूँ। गुस्सा नहीं अनूप, गुस्सा नहीं, डिस्को दीवाने। आहा आहा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनूप सोनी और आप देख रहे हैं क्राइम पेट्रोल। दोस्तों आज का एपिसोड काफी दर्दनाक मौतों से भरा हुआ है। मंगल गांव में एक छोटे परिवार के छोटू की चड्डी में फटने वाला अनार डालकर दर्दनाक हत्या कर दी गई। हम सबको आसमान में आतिशबाजी देखना तो बहुत पसंद है, लेकिन वही आतिशबाजी किसी की चड्डी में हो जाए तो दर्दनाक मौत होती है। जी हाँ दोस्तों, ये है छोटू की छोटी सी कहानी, आइए देखते हैं। ये अनुज सोनी फिर से ज्ञान देने आ गया, उसका नाम अंकित सोनी है। अरे तुम दोनों क्राइम पेट्रोल नहीं देखते क्या? मंजीत सोनी है उसका नाम। उसका नाम कुछ भी हो, वो तो ज्ञान पेल के चला जाएगा, अब क्रिमिनल्स को तो हमें पकड़ना है ना। वैसे उसका नाम नमकीन सोनी है, कहीं पे पढ़ा था मैंने। मंजीत सोनी ज्यादा बेटर लग रहा है। हाँ, वो यकीन करने लायक है। जो भी है इधर ध्यान दो, एक बच्चे छोटू की छोटी चड्डी में किसी ने फटने वाला अनार डालकर हत्या कर दी है। सर ये छोटू ज्यादा छोटा था कि चड्डी ज्यादा छोटी थी? शायद चड्डी ज्यादा छोटी थी, मतलब उसका नाम छोटू चड्डी था। अरे छोटू उसका नाम था और चड्डी उसने पहनी थी। अच्छा पर्सनल मामला लगता है। पर्सनल तो है ही, चड्डी के अंदर तक बात पहुंची है। बात क्या, अनार पहुंचा है, वो भी फटने वाला। अली तुम क्या सोच रहे हो? सर मेरे दिमाग में एक बात चल रही है, ये जो चड्डी के अंदर अनार जलाया है ये फुलझड़ी से जलाया होगा। अली बेवकूफ, उसकी हत्या की है, चड्डी में दिवाली नहीं बन रही थी उसकी। जो भी है मामला आपसी लगता है, बच्चे के घर वालों में से शायद किसी ने ये किया है। चलो आओ पूछताछ करते हैं। इनके घर का माहौल अभी बहुत नरम और उदासी से भरा होगा, इसलिए तुम भावनाओं में खोना मत, हमें हर एक को शक की नजर से देखना है। जी सर। आप छोटू के पापा है?
अरे सर सब ठीक हो जाएगा। सर मुझे इस पे शक है, चल मेरे साथ बुड्ढे। अरे अरे रुको, बता बुड्ढे। अरे अरे थोड़ा धीरे मारो यार बेचारे को। चल बुड्ढे अब बता दे फटाफट, तूने क्यों मारा बच्चे को? मैंने नहीं मारा किसी को। ज्यादा चालाकी सूझ रही है, एक काम करो चुलबुल को भेजो। तुमने मुझे बुलाया और मैं आ गया, हुड़ हुड़ दबंग दबंग, हुड़ हुड़ दबंग दबंग। चला मुझे बता किस बारे में बातें हो रही है। सलमान हमें शक है, इसने इसके बच्चे को मारा है। तो फिर मुझे ये बता तूने क्यों मारा है, वरना ये तेरे मुंह में डाल के फिर से निकाल लूंगा। सलमान तुम्हें पता है ना ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। वो तुम मुझ पे छोड़ दो, चला बता। मैंने कुछ भी नहीं किया है। कुछ ना कुछ तो मानना ही पड़ेगा। चलो मैंने वो आदमी को मारा है। मैंने सपने में देखा मुझे एक बुढ़े आदमी ने मार दिया। चालाकी वो भी मुझसे, कोई जरा लाठी लेके आओ। लाठी? अरे लेकिन क्यों? सर आप भावनाओं में मत भेजिए, हमें हर एक को शक की नजर से देखना है। आ गई मेरी लाठी, अब मैं इसमें इतने छेद करूंगा, इतने छेद करूंगा कि मुझे लगता है उस बुढ़े ने कुछ नहीं की। हाँ मैंने किया है, मैं कबूल करता हूँ। काम पूरा हुआ। कोई बात नहीं सर, ये क्राइम पेट्रोल है, 99% एपिसोड में घर के लोग क्रिमिनल निकलेंगे। दोस्तों परिवार में आपसी झमेले तो होते ही रहते हैं, पर क्या इन्हीं झमेलों के कारण हम दिल में जहर पालकर रिश्तों की रंजिशें तोड़कर एक दूसरे का कत्ल? अबे ये क्या हिंदी व्याकरण के टीचर से लिखवाया है? तू पढ़ना चुपचाप, ये नहीं करूंगा वो नहीं करूंगा, पढ़ चुपचाप। हाँ ठीक है। दोस्तों आज एक छोटे से छोटू का परिवार और छोटा हो गया। एक बाप ने अपने बेटे को मार दिया, क्या वजह होगी, क्या होगा अब छोटू के परिवार का? आंटी जी, आंटी जी इधर देखिए, क्या होगा अब इनका, कौन करेगा मदद अब इनकी? और ये पैकअप। चल रे बदसूरत ठुड्डी, अब सच बता तूने अपने बच्चे को क्यों मारा? तो मैं छोटू का सोतेला बाप हूँ, उसकी और मेरी आपस में कभी नहीं बनती थी। हर दिवाली वो मेरी लुंगी में सिंगाड़े वाला बम फोड़ता था, मेरी टुई पूरी लाल हो जाती थी। लेकिन एक दिवाली सिंगाड़ा बम तो फटा, लेकिन उसके साथ और भी कुछ फटा। एक फट से आवाज आई, मेरी लुंगी से मेरे कंचे ही गायब हो चुके थे। मेरे कंचों की यादों में मैं बहुत रोया। डॉक्टर ने भी बोल दिया था अब इनका कुछ नहीं हो सकता, इसलिए मैंने इन्हें यहाँ लगवा लिया। हाँ जैसे अब तो बड़े सुंदर लग रहे हो तुम। एक सेकंड, अगर वो उसकी ठुड्डी नहीं है तो फिर मैंने क्या पकड़ा था? छी, मैंने सोच लिया था मैं उस सड़ेले छोटू से बदला लेके रहूंगा, कंचों का बदला कंचों से होगा। कोई कंचे खेल रहे यहाँ पे, मैं सबको हरा सकता हूँ। विकी नहीं, दूसरे कंचों की बात हो रही है। ओह, पर मुझे नहीं पता था अनार बहुत जम से फटता है, छोटू के कंचे क्या आधा धड़ी उड़ गया। कितने वाहियात आदमी हो तुम। मैं तुम्हें अच्छा आदमी समझता था। कोई बात नहीं सर, मैं इन्हें आइसक्रीम दिला के लाया। मुझे अभी याद आया, मैंने तो बिना हाथ धोए ही खाना खा लिया था। तो देखा आपने, कंचों की मारामारी में अक्सर हम अपनों को खो देते हैं। मैं तो उस अनार के बारे में सोच रहा हूँ, उस पे क्या बीती होगी, उसे किसी की चट्टी में फूटना पड़ा होगा। खैर दोस्तों आप लोग सावधान रहे और सेक्सी और सतर्क रहे। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट एपिसोड में, नॉट योर टाइम ने बनाया तो। तब तक के लिए सबक एक को सीख हम सब। इसकी तो क्राइम पेट्रोल, मतलब ऐसा क्राइम पेट्रोल मैं देखना पसंद करूंगी। बिल्कुल, तो इनको बोल देंगे अपन और बनाने के लिए क्राइम पेट्रोल। पर क्या है ना कि यार नए नए चीजें बनाते रहते हैं, जैसे अपने तरह अपन नई चीजें देखते रहते हैं, नई चीजें बनाते रहते हैं। एंड आई लाइक द पार्ट उसका, कितना अलग तरीके से क्राइम पेट्रोल को दिखाया है। एक में दिखा दिया कि मतलब एक क्राइम पेट्रोल देखने के साथ में ऐसा होता था, अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे, मतलब एक सीन ऐसा चल रहा है कि भाई इसमें ऐसा होगा, अरे बाप रे ऐसा क्या हो गया, अरे बाप रे ऐसा क्या हो गया। तो मतलब यही सही बात कह रहे, मतलब जैसे की नई बात की ना, क्राइम पेट्रोल देख लेता था वो वैसे ही था कि मतलब अगर कुछ नहीं आ रहा था सी आई डी चल रहा होगा तो क्राइम पेट्रोल चल रहा होगा सोनी पे, तो अपन चैनल चेंज करके वो देख रहे थे, टाइम पास हो जाता था बढ़िया। तो अपन ने इनका भी चैनल देख लिया और बहुत सही, मतलब
जो राइटिंग अच्छी थी बढ़िया था। यस 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 आई लाइक द कैरेक्टर सलमान भाई को लेके आ गए ये लोग तो एकदम क्राइम पेट्रोल में और अमित भाई को एंड द रिलेटेड पार्ट क्राइम पेट्रोल का जो रिलेटेड वही चार लॉन्डे हाँ सच बात है मतलब ये इधर से उधर उधर से उधर कभी वही पुलिस वाला बन जाए कभी वही 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 दरिंदा बन रहा है और मोस्टली केसेस में जितने मैंने अभी देखे हैं कुछ जो मुझे याद आ रहे हैं कि उसमें घर वाले ही कुछ कर देते हैं या तो घर का किसी पड़ोस वाले ने बता दिया होगा ऐसा कुछ नहीं होता मतलब घर के आसपास ही चलता रहता था तो लंका ढाए। और अच्छा इसमें ना एक चीज और थी जैसे क्राइम पेट्रोल का मुझे चीज याद आ रही है पुलिस वाले भयंकर सतर्क थे मतलब ऐसे पुलिस वाले देखे नहीं भाई और ऐसे और एक ही केस सॉल्व करते थे पूरे महीने में हाँ मतलब ये केस आता था वो चलता था आते भी नहीं थे सारे सारे केस और हमारे यहाँ तो लात मार के भगा देते हैं पाया लग गया काम है और तुम्हें आ गए पड़े हो इधर बकरी ढूंढ मतलब हमारे तो मतलब जनरल एक जनरल किस्सा बता रहे हैं तो मतलब So, बस that's it. Yes, that's it. तो आपको कैसा लगा हमारा रिएक्शन? का वीडियो कैसा लगा आपको भी reacted on first time. Actually, we watch it on first time. सच बात तो आप कैसा लगा और अगर आप और इस तरह के मुझे ऐसा लगा कि एनिमेटेड वीडियो और हमें और देखने चाहिए था कि जो इतनी मेहनत करते हैं बिकॉज सी एक्टिंग करने वालों का एक लेवल अलग ये एक कैरेक्टर को एक्टिंग दिखवाना एक कैरेक्टर में जान डालना वो भी यूट्यूब पे ऑब्वियसली यूट्यूब पे तो पैसा नहीं देता तो दे आर डूइंग लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क एवरीवन इज डूइंग बट हाँ तो उसके लिए मुझे लगा कि देखना चाहिए एंड आई फाउंड इट द चैनल आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग और ये अच्छा था मतलब एनिमेशन भी अच्छा है काफी कुछ है क्योंकि हर एक एनिमेशन में उन्होंने जो कैरेक्टर्स लिए उनके एक्सप्रेशन काफी अच्छे से यूज किया है मतलब एंगर दिखाना है तो मजाक दिखाना है तो वो बहुत बड़ी चीज अच्छा था मत हाँ भावना में बहना भावना मत बहना बहना मैं तो खुद बह गया तो दैट इज ऑल गुड मतलब मजा ही आ गया इस चीज में अच्छा एनिमेशन था तो थैंक्स टू फॉर वाचिंग एंड थैंक्स टू नॉट योर टाइम फॉर मेकिंग दिस काइंड ऑफ वीडियो तो टिल देन स्टे ट्यून्ड फंकी कपल लॉट्स ऑफ लव और इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना बाय बाय।